ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करूंगी पूर्णमासी वाले दिन, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन, यानी कि फुल मून वाले दिन करने वाले एक ऐसे महा उपाय के बारे में, जिसको करने से अगर आप नियमित रूप से करते रहते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि करोड़पति भी बन सकते हैं इस उपाय को करने से। लेकिन आप धनवान बनने वाले जितने भी उपाय करते हैं उनको करने के साथ साथ एक बात हमेशा माइंड में रखा कीजिए कि आपकी वजह से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर आप एक तरफ दिल दुखाते हैं, दूसरी तरफ ये उपाय करते हैं, तो समझ लीजिए सारे उपाय गए पानी में, सैनिक की सभी उपाय बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि हर किसी को खुश रखना हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये तो हमारे बस में है ना कि हमें हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अब बात करते हैं उस महा उपाय के बारे में, पूर्णमासी वाले दिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़े मजबूर होके। इस उपाय को आपने पूर्णमासी वाले दिन करना है। पूर्णमासी वाले दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह मंदिर चाहिए जहाँ पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के पास चाहिए। पीपल के पेड़ पे जो होते हैं विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी पूर्णमासी वाले दिन निवास करते हैं, पूरा दिन पीपल के पेड़ पे रहते ही हैं वहाँ पे। तो आपने जैसे माता लक्ष्मी को कहना है, विष्णु भगवान जी को कहना है, इनवाइट करके आना है। जैसे हम किसी को इनविटेशन नहीं देते कि हमारे घर चलिए, फिर आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहाँ पर आपने जल चढ़ाना है, उसके बाद आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है, फिर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है, उसके बाद आपने माता लक्ष्मी को इनवाइट करना है कि हे माता लक्ष्मी जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो 2 मिनट आपने रुक कर प्रार्थना करनी है, फिर आप अपने घर आ जाइए। और आप ऐसा कीजिए, सोचिए कि माता लक्ष्मी को आप अपने साथ घर लेकर चले हैं। अब आप माता लक्ष्मी को अपने घर ले आए, उसके बाद आपने क्या करना है, आप मंदिर में आइए, अपने घर के मंदिर में आइए, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी के आगे आपने देसी घी की जोत जलाइए और वहाँ पर बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार जाप कीजिए, यानी कि पूरी एक माला जाप करनी है। उसके बाद आपने खीर का भोग लगाना है, खीर आप पहले ही बना के रख लेना। उसके बाद खीर का भोग लगाने के बाद उस खीर को आपने प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स को खिलाना है, खुद भी खाना है। और इसके बाद ये उपाय करने के बाद आपने रात के समय आपने चंद्रमा को जैसे अर्घ देना है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूला कीजिए। अगर आप हर पूर्णमासी वाले दिन ये 2 उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप करके जरूर देखिए, आपको 7 पूर्णमासी या उससे पहले ही आपको बिल्कुल अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। उपाय जैसे वो तो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितनी श्रद्धा से करते हैं, हो सकता है एक बार करने से ही असर शुरू हो जाए, ये तो आप पे डिपेंड है। आप अपना भाव अच्छा रखिए, उपाय असर करते हैं। ओम नमः शिवाय।